हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज 10वां दिन है, 10वां पहचान लेकर हाजिर हुए हैं। तो हर दिन की तरह स्टार्ट करते हैं 10वें पहचान से। कर पाता है, कर पाती है, कर पाते हैं, कर पाता हूँ, कर लेता है, कर लेती है, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहचान थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, पर उतना भी नहीं कि आप समझ ना सकें। ये किसी के काम को करने की क्षमता को बताता है। प्रायः ऐसे वाक्य आप बराबर अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। आज हम इसको ये बताएंगे कि ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इंतज़ार किस बात की, लगे रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। तो पहले पहचान की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल रूल है। पिछले कई रूल्स में हमने बताया केवल यूज़ टू, अबाउट टू, हैव टू, हैज़ टू, यही इतना चेंज हुआ है। यहाँ भी सेम वही रूल है, सब्जेक्ट के बाद इज आई एम आर का प्रयोग किया गया है, फिर एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल रूल है, इसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, फिर कॉपी बना लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल भी भटक जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। एबल टू, एबल का मतलब होता है योग्य, किसी काम को करने की ये वाक्य क्षमताओं को बताते हैं। तो जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल हमने दिया है, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। यदि आपको आता है तो अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको नीचे इसका आंसर मिल जाएगा। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ऊपर हमने रूल्स को भी मेंशन किया है, तो जस्ट जल्दी करें। आप जितनी जल्दी ट्रांसलेट करेंगे अपने आप को चेक कर सकेंगे कि आपने इस रूल को कितना सीख लिया है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल रूल है, हर पहचान के अंत में ता, यहाँ भी देखिए ता हूँ आया है, ता है, ती है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन विधि है वो थोड़ा अलग है और यही आपको समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग या किसी भी चीज़ ग्रामर को ट्रांसलेट करना, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। अब इसी वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, ये दोनों बात एक ही जैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब तीसरा वाक्य इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यहाँ कैन में का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट इन तीनों का ट्रांसलेशन क्या होगा इस वीडियो में आपको नीचे अभी जस्ट मिल रहा है। तो देखें, इज एम आर के बाद एबल टू का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई कैन स्पीक इंग्लिश, यह भी हो सकता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये भी बात 100% सही है। बट इस वाक्य को आप इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हर बार की तरह अगले एग्जांपल की तरफ। वह इन प्रश्नों को हल कर लेता है, ही इज एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दोस्तों, बहुत ही सिंपल अनुवाद है, इसे आप अपने कॉपी में मेंशन करें और कोशिश करें अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की, अधिक से अधिक वाक्यों को ट्रांसलेट करने की। तो बढ़ते हैं निगेटिव फार्मूला की तरफ। नहीं आने पर, दोस्तों नहीं आने पर इस रूल में दो रूल है, या तो पहली विधि ये है कि इज एम आर के बाद नॉट एबल टू लगा दें, या दूसरी विधि है अनएबल टू। अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो एबल के पहले उसका नेगेटिव फार्मूला अन लगा दें, अनएबल टू। आपका रूल सेम अफर्मेटिव रूल है, उसको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, दोनों वाक्य का ट्रांसिशन एक ही विधि से होगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वह झूठ नहीं बोल पाती है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, सी इज नॉट एबल टू टेल ए लाई, या तो ये लिख सकते हो या फिर सी इज अनेबल टू टेल ए लाई, दूसरी विधि से। अगला एग्जांपल है, अगला रूल है इंट्रोगेटिव फार्मूला, जिसमें ए ग्रुप है, ए ग्रुप के बारे में पिछले वीडियो में हमने समझा दिया है, उसे एक बार जरूर आप समझें, बार बार उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। इज एम आर हर रूल की तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, क्योंकि ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं,
जब वाक्य क्या से शुरू होंगे तो हेल्पिंग वर्ब से आप स्टार्ट करेंगे, और जब वह क्या से शुरू होता है तो उसका जवाब हाँ या ना में होता है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप इस बक्से को उठा लेते हो? देखिए, क्या से स्टार्ट है वाक्य, तो हम व्हाट से नहीं ट्रांसलेट करेंगे बल्कि उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। तो इज एम आर वाक्य में पहले आता है, तो यू के अकॉर्डिंग आर को हम पहले लिखेंगे। आर यू एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स? बहुत ही सिंपल विधि है, इसे आप अच्छे से समझ लें। क्या वह दिन में सो पाता है? इज ही एबल टू स्लीप इन द डे? बहुत सिंपल तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। अगर ऐसे वाक्य आप बराबर अपने डेली लाइफ में 5-5, 10-10 वाक्य बनाएं तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़ते हैं बी ग्रुप की तरफ। बी ग्रुप जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। रूल्स, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो इसमें कोई कन्फ्यूजिंग की बात नहीं है, आप वही रूल समझें। एग्जाम्पल है, तुम इन प्रश्नों को कैसे हल कर लेते हो? तुम इन प्रश्नों को कैसे हल कर लेते हो? तो देखें, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसका अनुवाद पहले बनाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसके स्थान पर कैसे की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। तो हाउ आर यू एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो मैच करें हाउ आर यू एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अच्छे से एक इंग्लिश ट्रांसलेटर बन सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, कौन आने पर। हर रूल में आपको समझाया गया है यदि वाक्य कौन से शुरू हो तो उस वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा कुछ ऐसा होगा। हु प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, तुम्हारे परिवार में भोजन कौन बना लेता है? तो कोशिश करें इस रूल से मैच करें। तो तुम्हारे परिवार में भोजन कौन बना लेता है? यहाँ देखें कौन शब्द जो है बीच में आया है, तो कौन की अंग्रेजी पहले बनेगी, तो हु इज एबल टू कुक फूड इन योर फैमिली। मिला लें, हु इज एबल टू कुक फूड इन योर फैमिली, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगली रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। कितना, कितनी, कितने आने पर, हाउ मैनी, हाउ मच। हर रूल में आपको इसके बारे में हमने समझा दिया, बता दिया, इसे बिल्कुल समझ लें अच्छे से। कौन सा, कौन सी के लिए विच का प्रयोग होता है, किसका, किसकी के लिए हुज का प्रयोग होता है। अब ये सभी जब आते हैं किसी वाक्य में तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, किस रूल से बनेगा, उसका रूल आपके जस्ट स्क्रीन पे है, सामने है। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब वही क्वेश्चन वर्ड जो अभी ऊपर हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह रोज कितना दूध पी लेता है? वह रोज कितना दूध, देखिए कितना के बाद दूध आया है तो यही नाउन हो गया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना, तो दूध अनकाउंटेबल है तो हाउ मच मिल्क ट्रांसलेट होगा। हाउ मच मिल्क इज ही एबल टू ड्रिंक पर डे या एवरी डे या डेली, आप मिला लें आंसर को। हाउ मच मिल्क इज ही एबल टू ड्रिंक डेली, बिल्कुल आपका आंसर सही है। कोशिश करें इसी तरह से आप भी ट्रांसलेट करें और अच्छे से आप सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। अगला एग्जाम्पल है, तुम एक महीने में कितना कलम खरीद लेते हो? तो खरीद लेते हो, हाउ मैनी पेन्स आर यू एबल टू बाई इन ए मंथ, क्लियर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारी बहन कौन सी भाषा बोल लेती है? विच लैंग्वेज इज योर सिस्टर एबल टू स्पीक, बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है। अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव जो लास्ट रूल होता है हर ग्रुप की तरह, हर सेंटेंस की तरह, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव वाला जो भी रूल होता है उसमें यदि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं
तो वह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी वही सेम है, नॉट लगाए या अनेबल टू लगाए, नॉट एबल टू या अनेबल टू, दोनों में से कोई एक विधि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसलिए हमने दो रूल्स लिखे हैं, दोनों में से कोई भी आप एक अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आर यू नॉट एबल टू राइट एन एसे, इसका मतलब है क्या आप एक निबंध नहीं लिख पाते हो। आर यू अनेबल टू राइट एन एसे, या ऐसे भी लिख सकते हो आर यू अनेबल टू राइट एन एस, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, आप बिल्कुल को सही से लिखेंगे ESSAY। अगले एग्जाम्पल की तरफ, बी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एबल टू, यहाँ वही क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, बाकी सब सेम है, नॉट एबल या अनेबल, यहाँ भी दो रूल्स हैं, दो विधि है, दोनों को आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, वाई इज ही नॉट एबल टू हेल्प हिम, वह उनकी मदद क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं, ये बी ग्रुप है, हिंदी नहीं लिखा गया है, आप हिंदी हम बोल रहे हैं इसको समझ लें, वाई इज ही नॉट एबल टू हेल्प हिम। अगला है, वाई इज ही अनेबल टू हेल्प हिम, दोनों का मतलब सेम होगा कि वह उसकी मदद क्यों नहीं कर पाता है। तो यहाँ इस प्रकार रूल का द एंड होता है। फिर हर बार की तरह हमने आपको नया होमवर्क, नए सेंटेंस, तीन सेंटेंस हमने दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट जरूर करें। पहला है, मेरा भाई अंग्रेजी बोल लेता है। दूसरा है, क्या वह साइकिल नहीं चला पाता है। तीसरा है, इस काम को कौन कर लेता है। तो देखते हैं ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट कौन कर सकता है। यदि आप समझ गए हैं तो आप कमेंट करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले दिन अगला रूल लेकर, तो तैयार रहें हर पहचान को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।